गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपना जो उस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज का टॉपिक है हमारा कम्बशन रिएक्शन। कम्बशन का मतलब क्या होता है? जलना, यानी कि दहन, किसी भी चीज़ का दहन होना, जलना। जब भी कोई चीज़ जो है जलती है उसके लिए कौन सी गैस की नीड होती है? वो होती है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस के साथ में जुड़ जाती है तो वो क्या बनाएगी? वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम? कम्बशन रिएक्शन। जब कम्बशन है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जलती है, जलने के बाद में बाहर की तरफ में क्या क्या छोड़ती है? हीट छोड़ती है, गर्मी छोड़ती है। अगर आप किसी भी चीज़ को जला रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप खाना बनाते वक्त क्या करोगे? आपको गर्मी लगती है, उसकी हीट लगती है खाने की। तो इसका मतलब क्या हुआ? कम्बशन हो रहा है और आपके पास में क्या आ रही है? हीट आ रही है। तो इसको बोला जाता है कम्बशन रिएक्शन। अब इसके दो हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। जो कम्बशन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। जब भी कोई चीज़ जलती है तो बाहर की तरफ में क्या आती है? हीट आती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है, एक्सो मीन्स बाहर और थर्मिक मतलब हीट। किसी भी चीज़ में से बाहर की तरफ हीट का, गर्मी का निकलना, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब होता है कि बाहर से जो गर्मी आ रही है और वो किसी पर्टिकुलर एक जगह में जा रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं? सन की जो लाइट है उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या फिर हम जैसे बाहर जाते हैं, हमें बोलते हैं कि हमें ना ब्लैक कलर का जो है कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जब सनलाइट हो, क्योंकि जो ब्लैक कपड़ा होता है वो क्या होता है कि गुड एब्जॉर्बर होते हैं, वो हीट को क्या करता है? जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो क्या करेगा? बाहर आस पास की चीज़ों को तो ठंडा कर देगा और हमारे अंदर क्या डाल देगा? हीट डाल देगा, गर्मी डाल देगा। तो उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। तो एंडो का मतलब क्या होगा? अंदर एब्जॉर्ब होना, और एक्सो का मतलब होता है बाहर। फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन होता है, उसमें देखो हीट जो है बाहर की तरफ में निकलती है, गर्मी निकलती है, उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हमारे पास में हम कोई भी फ्यूल है, जैसे कार चलाते हैं, कार चलाते वक्त जो भी हमने पेट्रोल या डीजल उसके अंदर डलवाया है, वो फ्यूल क्या करेगा? फ्यूल क्या बर्न होता रहता है, कम्बशन होता रहता है, जलता रहता है। उसके बाद में वो ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। तो इस तरह से हमारे पास में हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते वक्त भी हमें कौन सी गैस की नीड होती है? ऑक्सीजन गैस की नीड होती है, तभी कोई भी जो फायर है वो लग सकती है, अदरवाइज फायर नहीं लग पाएगी जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी। तो जब भी हम खाना बनाते हैं तो इसलिए हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है, क्योंकि वो हीट क्या है? रिलीज़ हो रही है बाहर की तरफ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन इन ऑक्सीजन, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का जुड़ना और उसमें से हाइड्रोजन का कम होना। और रिडक्शन होता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स जैसे कार्बन है, कार्बन के अंदर मैं ऑक्सीजन को जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का, क्योंकि कार्बन के साथ में क्या जुड़ी है? ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ये किसका हो गया? ऑक्सीडेशन का। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है और मैं उसको ब्रेक डाउन कर दूँ तो कार्बन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो क्या हो रहा है? इसमें रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन हट रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अगर जिस एग्जाम्पल में ये दोनों इकट्ठी हो, रिमूवल भी हो ऑक्सीजन का और उसका एडिशन भी हो, तो उसको बोलते हैं रिडोक्स रिएक्शन। आपकी बुक में कॉपर ऑक्साइड का जो है बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। कॉपर के साथ में अगर ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। और अगर कॉपर के साथ में से ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो क्या होता है? कॉपर अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी में, जो बेस्ट एग्जाम्पल है। और मोस्टली पेपर में जब भी एग्जाम्पल आता है तो यही वाला एग्जाम्पल पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी होती है जब भी कोई चीज़ है उसकी वो ख़राब हो जाती है और उसकी जो स्मेल है, उसकी जो फ्लेवर है, उसकी जो ऑडोर है और टेस्ट है, वो चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अगर सपोज करो हमारे पास में बिस्किट है, बिस्किट को हमने ऐसे खुले में छोड़ दिया, आप देखना थोड़ी देर के बाद में वो सील जाते हैं, तो उसमें क्या हो गया? रेंसिडिटी हो गई। उसका जो टेस्ट है, ऑडोर है, फ्लेवर है, वो क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब किसी फूड का स्पॉइल होना, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अगर आप चपाती है, चपाती को एक दो दिन के लिए ऐसे छोड़ देते हो बाहर, तो क्या होगा? उसमें जो फंगस है, फंगस लग जाती है, तो उसमें भी क्या हो गया? रेंसिडिटी। मतलब किसी भी चीज़ का जो टेस्ट है, ऑडोर है या फ्लेवर है, वो अनप्लेजेंट हो जाना, उसको बोला जाता है रेंसिडिटी।
अब आपने देखा होगा कि जो अचार है, अचार को हम किस में डाल रखते हैं, ऑयल के अंदर रखते हैं, कंटेनर के अंदर ऑयल होता है, उसके अंदर हम अचार डाल के रखते हैं। अगर अचार जो है ऑयल में ना रखें तो क्या हो जाता है, अचार में फंगस लग जाती है और उसकी जो उसमें उसमें क्या हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, अचार का जो है टेस्ट वो है और चेंज हो जाता है, फ्लेवर चेंज होता है और अनप्लेजेंट ऑर्डर मतलब बेकार सी स्मेल आती है, तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अब ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं, मोस्टली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकते हैं, कोई भी माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर लग जाते हैं, या फिर हाइड्रोलिटिक होती है, मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। आई होप आपको एक छोटा सा ये मेरा टॉपिक जो होगा वो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।